नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देरमो अनुमंडल की साप्ताहिक डायरी आप देख रहे हैं। सबसे सुखद समाचार यह रहा पिछले सप्ते की कि खुसरो की सगी बहनों ने बीपीएससी की सहायक अभियंता की परीक्षा पास की है। इसके साथ ही चर्चित झुमरा पहाड़ के बगल में एक अमन पहाड़ भी है। अमन पहाड़ पर पहली बार कोई प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचने वालों में गोमिया के वीडियो कपिल कुमार हैं। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष में तेनुघाट महाविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 30 छात्र एवं छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। अनुमंडल के आईएल थाना क्षेत्र में बीते सप्ताह एक बंद क्वार्टर में अपराध कर्मियों ने 3 लाख नगद सहित जेवरात और टीवी की चोरी कर ली। पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो अमन साहू गिरोह का सदस्य निकला। तेनुघाट दामोदर नदी के तट पर नहाने गए रामगढ़ के युवक को डूबने से निधन हो गया। नवाड़ी प्रखंड के पोखरिया गांव में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान रहे। 3-4 गांव में जाके ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया गया और वहां रखे अनाज को हाथियों ने चट कर गया। महुआटांड थाना क्षेत्र में वज्रपात के कारण एक किसान की मौत हो गई। गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग में एक 31 वर्षीय युवक की लाश फंदे में झूलते हुए मिली। वहीं गोमिया थाना क्षेत्र के गोमिया में एक व्यक्ति के निधन के बाद 24 घंटे के अंदर उसकी पत्नी की शव कुएं से बरामद की गई। तेनुघाट विद्युत प्रमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिस क्षेत्र में 25% से कम बिजली का भुगतान हो रहा है, उस क्षेत्र के ट्रांसफार्मर से कनेक्शन को काट देने का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध ललपनिया स्थित लोगोबुरु घंटाबाड़ी में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन का दौरा हुआ और उन्होंने वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। गोमिया के पूर्व बीओ अमिताभ झा को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह ने कहा कि बीओ पर गंभीर आरोप थे, अभी एक बार पुनः निष्पक्ष जांच की जरूरत है। पेटवाड़ थाना क्षेत्र के चांदो ग्राम में 2 भाई बहनों की डोभा में डूबकर निधन हो जाने के कारण परिवार के लोग गम जदा रहे। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में टीका लगाने के बाद एक नवजात बच्चे के निधन हो गया था, जिसके कारण परिवार वालों ने जांच की मांग की है। खुसरो में बारात आने से पहले रसोई गैस के रिसाव होने के कारण घर में आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए की नुकसान हो गया। बेरमो अनुमंडल के महुआटांड थाना पुलिस ने 45 पेटी अवैध रूप से ले जा रहे अंग्रेजी शराब की पेटी पकड़ी है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।